आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। समस्थानिक के परमाणुओं में भिन्नता होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला विकल्प है प्रोटॉन की संख्या में, ठीक है। दूसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, ठीक है। तीसरा विकल्प है न्यूट्रॉनों की संख्या में, ठीक है। और चौथा विकल्प है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में, ठीक है। आइए प्रश्न के संदर्भ में बात करते हैं। समस्थानिक के परमाणुओं में भिन्नता होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि समस्थानिक में होता क्या है कि ऐसे तत्व, ऐसे परमाणु जिनके जो परमाणु क्रमांक कहता है, जेड जो है परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं, वो समान होता है, ठीक है। जेड या फिर कहे प्रोटॉन की संख्या या फिर जेड, बात बराबर है, वो समान होता है। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है अर्थात अणुभार होता है ए, वो भिन्न होता है, ठीक है। समस्थानिक की परिभाषा यह है कि इसके जो है परमाणु क्रमांक या जो प्रोटॉन है वो समान होने चाहिए और जो अणुभार है या द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न होनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोटोनों की संख्या समान में, ठीक है, तो भिन्नता किसमें होती है? भिन्नता होती है इसमें द्रव्यमान में या फिर कहें न्यूट्रॉनों की संख्या में। ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ उदाहरण द्वारा देख लेते हैं हम इसका प्रभाव कैसे, कि दो समस्थानिक ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन 6-12, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन 6-13, ठीक है। ये जो है प्रोटॉन, ध्यान दीजिएगा, ये जो है परमाणु क्रमांक 6 थे, दोनों के समान है लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ठीक है। और इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकाले तो इसमें 12 और 6 न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक अर्थात 12-6 कितना 6, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 13-6-7। तो इनकी जो है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है और इनके जो है द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है। तो यहाँ जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि समस्थानिक में जो है परमाणु में भिन्नता होती है, किसमें भिन्नता होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या में, ठीक है। तो विकल्प संख्या 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।